खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। बताते चले कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय शहीद मेला का आयोजन हजारीबाग के इचाक प्रखंड अंतर्गत बोधी बागी मैदान गुरहा में किया गया है। वहीं कारगिल शहीद रघुवीर मेहता और शहीद राजेश मिंज के साथ 50 क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने व देश प्रेम की भावना को सुदूर ग्रामीण तक पहुंचाने हेतु 5 दिवसीय मेले का आयोजन आज से किया गया। बता दे कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु पशुओं की खरीद बिक्री की व्यवस्था, किसानों के उपज की प्रदर्शनी, लकड़ी, लोहे, पीतल व कांसा के बने सामानों की खरीदी बिक्री हेतु स्टॉलों की भी लगाए गए हैं। बता दें कि आज कार्यक्रम का शुभारंभ में स्थानीय स्तर पर कई विद्यालय और महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग ब्यूरो की रिपोर्ट। देश के शहीद जो सैनिक शहीद हुए हैं और देश के स्वतंत्रता सेनानी बोधी बागी मैदान जो कुरहा है, रघुवीर प्रसाद मेहता और राजेश मिंज जो इचाक के शहीद हुए हैं, बोधी बागी शहीद मेला में मेला का आयोजन किया गया है। इस मेले में पूरे जिले से गणमान्य लोग आए हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, नौजवान लोग आए हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। मेला खास देखने को मिलेगा मतलब मेला में। इसमें मेला तो आप देख रहे हैं कि पहले झूला है, अभी देख रहे हैं बच्चे लोग कर्तव्य दिखाएंगे, जो कर्तव्य आप सामने उनका भी ले सकते हैं। तो एक से एक कार्यक्रम यहाँ होगा और आने वाला यह बोधी बागी मैदान पूरे देश में एक गौरवपूर्वक नाम से जाना जाएगा, इचाक में बोधी बागी कुरहा शहीद मैदान में। आज शहीद मेला बोधी बागी में लगी है। शहीद मेले में आज मैं समस्त इचाक वासियों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज इचाक में जो मेला लगा है अब प्रत्येक साल लगेगा। शहीदों की धरती इचाक है, जिसमें दर्जनों शहीद हुए हैं, और मंदिरों का शहर इचाक है। मंदिरों को शहर इचाक को ऐतिहासिक करने में इस बोधी बागी मेला का मुख्य स्थान रहेगा। इस मेला जो आज 26 तारीख के 2 बजे शुरू हुई है और प्रत्येक साल 5 दिवसीय मेला लगेगा। इस मेला में तरह तरह के खेल, झूले, खेल, पशु मेला, सब्जी मेला, सब्जी बाज़ार और तरह तरह के उपादान लगा हुआ है, जिससे बिजली विभाग, कृषि विभाग और पशु विभाग के लोग भी। 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज़। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।